अस्सलाम वालेकुम। हियर डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ्स के लिए ना ये पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वर्चुअली क्लास है, मतलब मैं दूर हूँ, आप कहीं और होंगे, बट इस लेसन को आप देखेंगे तो उम्मीद करूँगा कि आप इससे सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो हमें आज तक मालूम है। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में अगर मैं आपसे बात करूं, हमने आज तक पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं उन्हें आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हो। एक्चुअली इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, पहले आपको अबाउट द नंबर्स ही आना चाहिए, हाउ मेनी टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसकी मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको अबाउट द नंबर्स बता सकूँ। और ये वाली जो डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स हैं, ये आपके बहुत सारी जगह काम भी आएंगे। अगर आप कॉम्पिटिशन की भी बात करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। हम कहते हैं वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो हमें पता है, बट लार्जेस्ट हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ n, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हम इसमें हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो हमारे पास हो जाते हैं होल नंबर्स, ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। अगर हम इसमें नेगेटिव्स ऐड कर दें तो वो हमारे हो जाते हैं इंटीजर्स। आपने क्या किया, ये तो आपके पास है नेचुरल नंबर्स, इस साइड पॉजिटिव जा रहा है, ये आपके पास ज़ीरो है, और अब आप इसमें इनके नेगेटिव, मान लीजिए माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन, ये इधर नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ज़ीरो होता है, ज़ीरो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ज़ीरो विदाउट साइन कहलाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं मालूम है और लार्जेस्ट इंटीजर भी नहीं मालूम है, माइनस नहीं मालूम कहाँ तक जाता है और प्लस भी कहाँ तक जाता है नहीं मालूम। इंटीजर्स में अगर हम बात करेंगे, चलिए बाद में डिफाइन करेंगे इनको भी। इंटीजर्स के बाद हमारे पास आते हैं, अगर हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, आप लोगों ने पढ़ा है। मैं अभी पहले कंप्लीट नंबर सिस्टम की बात करूँगा, फिर इन्हीं के अंदर कैटेगरीज की बात करूँगा, तो देखते हैं जितना भी जहन में आता जाता है आपको समझाते हैं। तो हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। आपने पढ़ा ही है रैशनल नंबर्स उन्हें कहते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, आर इन पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर पी जो है हमारा और क्यू जो हमारा आर इंटीजर्स, बट Q की कंडीशन ये होती है कि Q ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो अब तक आपने इंटीजर्स लिखे थे, ज़ीरो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, इनमें अगर आप डेसिमल्स ऐड कर दें, ज़ीरो पॉइंट टू ये वाले हमारे पास, थ्री पॉइंट टू फाइव या ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 थ्री, इसको आप 0.3 बार भी कह सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते हैं 5/7, माइनस 3/2, तो दीज आर रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास एक और आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दोज आर नॉट रैशनल्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो सर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, रूट टू, थ्री रूट टू, माइनस रूट टू बाई फाइव, फाइव बाई रूट सेवन, लाइक दिस, फाइव प्लस रूट सेवन। इवन आप लोगों ने डेसिमल्स भी पढ़ा होगा इरेशनल नंबर का, नाइन्थ में आप पढ़ चुके हो, थ्री पॉइंट टू फाइव थ्री टू फाइव सेवन थ्री टू नाइन फाइव फोर, लाइक दिस। यानी कि वो नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर आपने पढ़ा है रियल नंबर्स।
तो रियल नंबर्स जो होते हैं दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल। तो ये हमारे पास दोनों मिलके जो बनता है वो रियल नंबर्स आते हैं। इनको आप नंबर लाइंस पे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने खूब 9th क्लास में नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया है। हमारे पास क्या होता है कि आप 10th के बाद पढ़ोगे, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर्स भी आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। यहाँ बस मैं आपको इतना बता दूं कि अगर हमारा रूट जो है वो नेगेटिव हो, एक तो आपने पढ़ा है -√3, तो ये तो रियल है, बट अगर रूट के इनसाइड आपके पास नेगेटिव आ जाए तो उसे हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, किन दोनों को, मतलब रियल को और इमेजिनरी को, तो ये टोटल नंबर सिस्टम हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आपके पास टोटल नंबर सिस्टम है। इसको दोबारा से देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर आप इसको हम कह रहे हैं नेचुरल, ठीक है, अगर आप इसमें जीरो को ऐड कर दें तो ये हो गया होल। अगर आप इसमें नेगेटिव्स को ऐड कर दें तो ये आपका हो गया इंटीजर्स। अगर आप इसमें, ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड कर दें जीरो पॉइंट टू फाइव, 3/5, -3/7, तो ये आपका हो गया रैशनल। अगर आपने इसके साथ √2, 3+√2, -√2 इसको ले लिया तो ये हो गया आपका इरेशनल। इन दोनों को अगर आपने मिलाया तो ये आपका हो गया रियल नंबर्स। अगर ये रियल कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर्स। हमने कहा आपको √-3 और सम टाइम आपका ये √3 आई, आई इमेजिनरी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर इन दोनों को आप मर्ज कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। CBSE 2020 में एक क्वेश्चन सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड आया था, उसका मैं कहूँ सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था कि वो 9th का है या 10th का है, वो सिर्फ इसी नंबर सिस्टम पे आया था। मैंने एक क्वेश्चन कल बताया भी था, जिन बच्चों ने भी 9th में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उन्हें ये चीज़ आती होगी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था ये देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड। ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो 20 में आए थे, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। तो ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चंस आए थे बेटे 2020 में, और एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 9th में आपने पढ़ा होगा, राइट वन रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। अब अगर आपको रैशनल, आपको पता है बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, राइट वन रैशनल एंड, हमसे कह रहा है वन रैशनल एंड वन इरेशनल बिटवीन दिस,
तो सबसे इजी तो ये होता है इनको कि आप इनको डेसिमल में चेंज कर लें, तो हमें एटलीस्ट पता है अंडर रूट 2 1.414 समथिंग होता है और अंडर रूट 3 1.7321 होता है। तो अगर आपको इसके बीच में रैशनल लिखना है तो 1.4 और 1.7 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, 1.5, तो ये हो गया रैशनल। बिकॉज ये रैशनल कैसा हो गया कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या सिर्फ टर्मिनेटिंग। और अगर आपको इरेशनल लिखना है तो ऐसा कोई नंबर लिख दीजिए जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं। तो ये देखिए सिर्फ आपकी डेफिनेशन पे बेस्ड, जो आपको नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन मालूम हो थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए, तो ये हमारे पास है नंबर सिस्टम, इसका भी हम चार्ट भी देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं पहले आपको चार्ट ही दिखाता हूँ। ये देखिए बेटे, ये हमारे पास नंबर सिस्टम का चार्ट है। अगर हम बात करते हैं और फिर इसमें डिवीज़न भी करते जाएंगे कि हमारे पास क्या है, ये टाइप ऑफ नंबर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। मैं इसको दूसरे उसमें खोलता हूँ ज़रा के लिए। ये बेटा देखिए, तो आपके पास क्या है, आपके पास ये नंबर्स हैं। टाइप ऑफ नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं और इमेजनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कंबाइन फॉर्म ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब रियल नंबर्स में, फिर इमेजनरी नंबर्स तो यही रह जाते हैं आपके पास। तो रियल नंबर्स में हमारे पास क्या होते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल, ठीक है। इरेशनल जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो आपको पता है कि अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, ये मैं अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, या फिर जिनका डेसिमल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, बस इतना ही है इरेशनल। अब सारा जो डिवीजन है वो रैशनल नंबर्स में होता है। तो रैशनल नंबर्स में पहले तीन तरह के नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए ऑल नेचुरल नंबर्स, ये जो मैंने आपको बनाया है, ठीक है, ये जो हमने आपको बताया, ये इसका ध्यान रखिएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो होल नंबर्स होते हैं, और जितने होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और जितने इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। बट जो रैशनल हैं वो इरेशनल नहीं हैं, ठीक है। बट रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जो रियल होते हैं वो इमेजिनरी नहीं होते हैं, लेकिन रियल और इमेजिनरी दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो ये आपको समझना है, ध्यान रखना है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है कि रजिस्टर नंबर्स में नेचुरल्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ये तो आपने पढ़ा ही है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। दूसरी बात, होल नंबर्स तो सिर्फ एक ही चीज़ आई थी कि भाई जीरोस में ऐड हो जाता है। अब हमारे पास होते हैं इंटीजर्स, ये मैं आपको बताना चाहता था कि इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। हमने कहा है कि हमारे पास जीरो होता है, हमारे पास पॉजिटिव होता है और हमारे पास नेगेटिव होता है, ये हमारे पास होता है ना। तो हम क्या कहते हैं कभी, अगर इंटीजर्स कहना है तो ये, अगर हमसे कह रहा है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर्स, आपसे कह रहा है नेगेटिव इंटीजर तो वो ये होता है। लेकिन आपसे कभी कभी कहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो को मिला दीजिए पॉजिटिव के साथ, और कभी कभी आपसे कहेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो जीरो को इधर मिला दीजिए नेगेटिव। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर जस्ट नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर जस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो के साथ होल नंबर्स कह सकते हैं आप, और नॉन पॉजिटिव यानी कि जीरो के साथ नेगेटिव। तो ये हमारे पास होता है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का चार्ट है, ध्यान रखना आपको ध्यान। प्राइम नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स आर ये हमारे पास है। तो ये हम बात कर रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लें कि हम जो आपको बताना चाह रहे थे, तो ये हमारे पास है। तो अब जो आपको पढ़ना है, फिलहाल जो हम बात करेंगे, जो हमने आपके लिए किया भी है और ये पहली क्लास की हमने वर्कशीट भी आपको दी है, तो ये आप लोगों के लिए क्लास 1 बनाया हुआ है और ये हमारे पास है। तो इस वीडियो के साथ साथ ये आप चार्ट देखेंगे और फिर ये यहाँ ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास है, ठीक है। तो
ये मैं आपको बता दूं, प्राइम और कंपोजिट की बात करेंगे अभी हम। चलिए पहले प्राइम और कंपोजिट डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। तो अब जो आप डिफाइन करोगे, एक तो आपने, मैं बात सिर्फ नेचुरल नंबर्स की कर रहा हूँ, इस पे भी देखो क्वेश्चन बन चुका है नेचुरल नंबर्स पे, तो आपसे कह रहा है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होते हैं मल्टीपल ऑफ टू, और ऑड नंबर्स दोज आर नॉट मल्टीपल ऑफ टू, 1, 3, 5, 7 दीज आर ऑड नंबर्स। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हम नेचुरल नंबर्स को भी एक और कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स की, फैक्टर्स और डिवाइजर्स। फैक्टर और डिवाइजर्स क्या है, हमें मालूम है, ए नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर, ए नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर इज कॉल्ड फैक्टर और डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, कैन डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली, जिसे कहना चाहिए विदाउट लिविंग रिमाइंडर, ये हम बात कर रहे हैं। तो जैसे अब हमसे आपसे कहें कि फैक्टर ऑफ 8, तो 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 से डिवाइड डिविजिबल हो जाता है, 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 8 से हो जाता है, तो ये हमारे पास है। तो अब अगर हम इस कैटेगरी के ऊपर नंबर्स को ध्यान से देखें, तो आप यहाँ देखिए फैक्टर्स ऑफ 1, 2 के जो फैक्टर हैं 1 एंड 2, 3 के जो फैक्टर हैं 1 एंड 3, ठीक है, 4 के जो फैक्टर हैं 1, 2 एंड 4, 6 के जो फैक्टर हैं 1, 2, 3 एंड 6, 7 के जो फैक्टर हैं 1 एंड 7, 8 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8। तो मैं आपसे इस, मैंने कैटेगरी अलग अलग लिखी है, एक तो नंबर ये है हमारे पास जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, दूसरे नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके दो फैक्टर हैं, एक तो 1 बिकॉज 1 तो हर एक का है, और एक वो खुद 2 का फैक्टर 2 है, 3 का फैक्टर 3 है, 7 का फैक्टर 7। ठीक है, दे आर टू टाइप ऑफ नंबर्स, द हैविंग टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, एंड हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 8 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और एक नंबर एक ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो इसको तो थोड़ी देर के लिए हम अलग रख देते हैं। तो हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं, हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स एंड हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। तो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें आप प्राइम नंबर्स कहते हैं, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, और जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं उन्हें आप कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ये मेरे पास, तो ध्यान रखना जो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं। आपके पास हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब इस पे छोटा सा क्वेश्चन आया है, इसको मिला के एक और दूसरी चीज को, कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं आपके पास वो आपके पास स्टार्ट होता है 4 से, 4
सिक्स एट नाइन टेन, दीज आर द कंपोजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, और एक ही इवन प्राइम नंबर टू होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है फोर होता है. तो इस पे क्वेश्चन आया गया है कि आपसे पूछा है उसने कि भाई आप जो हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF और LCM निकालिए. ये क्वेश्चन 2020 में आया है. तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम्स का डिवीजन होता है. मैं एक चीज़ और डिफाइन कर दूँ इसमें, ये हमारे पास काम आएगा. वैसे तो मैं हम जब सेपरेट सेपरेट एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे जिस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको फिर डिफाइन करेंगे. तो इसमें एक चीज़ मैं और डिफाइन कर दूँ, एक हमारे पास आएगा को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स एक्चुअली फिक्स नंबर्स नहीं है. जब आप फ्रैक्शन में लिखते हैं नंबर्स को, मान लीजिए आपने लिखा 6/8, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज अभी आप कैंसिल कर सकते हो 6/8 में, इसको 2 से कर सकते हो, 2 3 जा और 2 4 जा, तो अब आपके पास आ गया 3/4. नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब अब आप इसे आगे कैंसिल नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते. सो 3 and 4 आर को प्राइम नंबर, जिनको आप फर्दर कैंसिल नहीं, जो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड ना होते हो, दोज आर नॉट डिविजिबल बाई द सेम नंबर, एनी सेम नंबर, एनी टू सेम नंबर, तो वो आप क्या कहते हो, को प्राइम नंबर्स कहते हो. अब थ्री के साथ बहुत सारे को प्राइम, जैसे 3 5 से नहीं हो सकता, 3 7 के साथ नहीं हो सकता, 3 13 के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, 3 10 के साथ भी नहीं हो सकता. तो दीज पेयर्स, ये जो पेयर्स हैं आगे डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर्स है. एक तो ये आपके यूज होगा इस चैप्टर में. दूसरा एक होगा कि जब आप रियल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करते हो, किसमें चेंज कर दो, डेसिमल में, तो हमारे पास 3 तरह के डेसिमल नंबर्स होते हैं. देखिए, एक तो हमारे पास जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 है 2 है 3 है, आप इन्हें डेसिमल्स में लिख सकते हैं, 1.0 2.0 3.0. एक आपके पास रैशनल्स होते हैं, 1/2 है तो आप इसे 0.5 लिख सकते हो, ठीक है, 1/3 है तो आप उसे भी लिख सकते हो 0.33333. तो ये हमारे पास है रैशनल. यहाँ ध्यान से देखिए, इस नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है. टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये आपने पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बट ये दोनों रैशनल होते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, तो आपने पढ़ा होगा 1.414325732 9 एंड सो ऑन, ये इरेशनल नंबर है. एक्चुअली क्या होता है, ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, तो ये इरेशनल नंबर्स. तो ये आपका पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम है. प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर कहीं से आप डेफिनेशंस लेना चाहते हैं तो सीखिए, क्योंकि इस चैप्टर वन में ये सारे टर्म्स आप यूज़ करें, ठीक है. इवन एक और हमारे पास होता है जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, मैं आपको बता भी दूँ चलिए यहीं पर, कि अगर आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में प्लस करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नेचुरल आएगा, मतलब 3 + 2 = 5, तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो नेचुरल मल्टीप्लाई नेचुरल इज नेचुरल. बट क्लोजर में क्या है, नेचुरल नंबर माइनस के लिए नहीं मालूम, कि जब आप माइनस करोगे तो वो नेचुरल आएगा नहीं है, क्योंकि अगर ये वाला नेचुरल नंबर बड़ा है और ये छोटा है तो नेचुरल आएगा, बट अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो नेचुरल, मतलब 6 - 3 = 3, बट 3 - 6 इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर.
इसी तरह से जब आप बात करते हो इंटीजर्स की, ठीक है, इंटीजर को आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर जेड प्लस जेड करेंगे तो इंटीजर आएगा, जेड माइनस जेड करेंगे तो इंटीजर आएगा। अगर आप जेड इंटू जेड करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप जेड को डिवाइड करते हैं तो नहीं मालूम, फ्रैक्शन आता है। क्या आता है? फ्रैक्शन, यानी कि रैशनल। और इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हुई। रैशनल भी आप चाहे तो कर सकते हैं। रैशनल एक ऐसे नंबर्स हैं जो सारे नंबर्स में क्लोज़र होते हैं। एक जगह बस अटक जाते हैं कि रैशनल को क्यू से करते हैं, क्यू प्लस क्यू इज़ क्यू। अगर माइनस करेंगे तो भी क्यू आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल आएगा, अगर डिवाइड करेंगे, रैशनल को डिवाइड अगर करेंगे तो भी रैशनल आएगा। बस ये ध्यान रखना होता है कि डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता होना चाहिए। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स इस प्रॉपर्टी में आ जाते हैं कि आप कोई से भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस करो तो रैशनल, माइनस करो तो रैशनल, मल्टीप्लाई करो तो रैशनल, डिवाइड करो तो रैशनल। बट लेकिन सारे नहीं कह सकते क्योंकि आपने ज़ीरो को छोड़ दिया है। तो रैशनल भी फॉर ऑल नंबर्स नहीं डिफाइन है, तो ये प्रॉपर्टी भी हम यूज़ करेंगे। तो ये आपके चैप्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप बार बार देखिए, चेक करिए डेफिनेशंस को, अपनी कॉपी में इसको बनाइए, और मैं फिर इस पर बेसिक क्लास लूँगा डायरेक्ट इसी नंबर सिस्टम पे। जो टर्म आपको समझ में ना आए उस पर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।